अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मन चाहा। मैं पहले भी ऐसी ही थी छोटे सरकार, बस अब दो बच्चों की माँ हूँ। तुम्हें देख के तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। शायद पहले आपने मुझे इस नजर से नहीं देखा था जिस नजर से आप देख रहे हैं। घर वालों के लिए भी थोड़ा सा वक्त निकालो, काफी दिनों के बाद आए हो तुम। मेरे वक्त देने से आप लोगों को क्या मिलेगा? कैसी बात कर रहे हो बेटा, तुम मेरे बेटे हो। हम ठहरे बलवानी, हम औरतों का काम रुदालियों वाला, हम इनके काम आते हैं और वो हम पे मेहरबानियां करते हैं। मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझे शादी के बाद नया इजाज मिलेगा जिसको समझने के लिए वक्त दोबारा शुरू होगा। ये मलूक ने तो कहीं उस्ताद से मोबाइल नहीं ले लिया? अब भी कॉल करें, हो सकता है घर में अकेली हो। हाँ ठीक कह रही हो। हेलो हेलो, कौन, किससे बात करनी है? इस कमीने ने उसना से फोन ले लिया है, खाना खराब हो इसका। जाओ तुम, मूड खराब हो गया पूरा, खुद दे दूंगा मैं मोबाइल। सुमेरा, हम शाम को शहर जाएंगे, डिनर पे तैयार है ना? सही है, शुक्र है तुम्हें मेरा ख्याल तो आया, वरना मैं तो समझ रही थी कि यहाँ बांदी बन के रहना होगा। सुमेरा, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया, ऐसी बातें नहीं किया करो। मैं ये कह रही हूँ कि हम काफी दिनों से बाहर नहीं गए। वैसे सोच तो मैं भी ये रहा था कि जब से हम इधर आए तब से एक अलग ही सुस्ती चढ़ गई। सही बात है, खुद काम जो नहीं करना पड़ता। कुमार, थोड़ा बाहर निकला करो, ताजी हवा खोरी जरूरी होती है बेटा। जी बड़ी मम्मी, हम आज शाम में डिनर पे जा रहे हैं। बेटा ख्याल से जाना। जी। क्या हुआ सुमेरा बेटी? सुमेरा, सुमेरा तुम ठीक हो? हाँ क्या हुआ बताओ, तुमने नाश्ते में क्या खाया था? रुको रुको ठहरो, शमा बोला को बोलो कि दाई को लेकर आए। हाँ नहीं बड़ी अम्मी, मैं इसको हॉस्पिटल ले जाता हूँ, वहीं पे डॉक्टर इसको देख लेंगे। बेटा ये दाई जो है ना 10 डॉक्टरों से ज्यादा अच्छी होती है। सुमेरा तुम खड़ी हो, आराम से देख के बड़ी अम्मी, आप दाई को बाद में बुला लीजिएगा, अभी हम हॉस्पिटल जाते हैं। रुको रुको, नूरा नूरा। जी बड़ी बेगम साहिबा। नीचे इंतजार करो, ये लोग आ रहे हैं। चल बेटा चल। चल आओ आराम से देख के। ख्याल रखना इसका।
चांद को दुपट्टे में छुपाने से क्या फर्क पड़ता है? सलाम छोटे सरकार। सरकार मतलब मालूम है ना सरकार का, हर चीज का मालिक। जी सरकार। इधर आओ। ये लो पैसे रखो, जाओ कुछ खा के आओ। छोटे सरकार मैं चलती हूँ। कहाँ जाओगी? वो काम करना है वरना चाचा मेहराब ने देख लिया तो बहुत डांटेंगे। मैंने तुम्हारे पास एक मोबाइल भिजवाया था, बात नहीं की तुमने? वो मलूक ने ले लिया था। मलूक ने ले लिया था या तुमने दे दिया है? मैंने सोचा था कि मैं वो वापस भिजवा दूंगी। तो क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती? मैं कुछ समझी नहीं। इतनी भी गवार ना बनो, मैं मालूम है ना इस इलाके में जमीन सहरा और पहाड़ सब हमारे हैं, और यहाँ पे बसने वाले भी। जी सरकार मैं जानती हूँ। तुम्हारे पास कितनी जमीन है? 2 चरे। किसने दी? बड़े सरकार ने हमारे बड़ों की खिदमत की एवज दी। खिदमत की एवज मतलब अब क्या खिदमत खत्म हो गई है या हिसाब चुकता हो गया है? मैं कुछ समझी नहीं छोटे सरकार। कैसे नहीं समझ रही? सारे जमाने को समझाने वाली अब खुद नहीं समझ रही? मैं चलती हूँ छोटे सरकार। बख्श खान। क्या बात है शमा, बहुत खुश नजर आ रही, खैरियत है? बख्श खान घर में खुशियां ही खुशियां आ रही है। ज्यादा मत उड़ो क्योंकि ज्यादा खुशियां जो है ना खुशी को खा जाती है। अब इस बात का वक्त नहीं है, जाओ जाकर बलवानियों को बुलाओ। मैं भी गांव से कुछ औरतों को बुलाती हूँ, घर में कुछ हाले हो कुछ सहरे हो। सफेद मथे में उम्मीद कर बैठी हो क्या? ये तो तुम खुद से पूछो, कुवार के आने से पहले सारा बंदोबस्त करना है। इसका मतलब ये हुआ कि बख्श खान दादा बनने वाला है। वाह भाई वाह एजाज खान, सलाम है तुम पर। मैं मेहराब को बुलाता हूँ। दोनों शहर गए हैं डॉक्टरियानी के पास। अच्छी बात है। जिच्चा और बच्चा का ख्याल करना बहुत जरूरी होता है, उसकी सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। देगों का बंदोबस्त कर लेना। हाँ अच्छा याद दिलाया, मैं करवाता हूँ। और हाँ कपड़ों के थान मंगवा लेना, जोड़े बांटने हैं। करता हूँ। मैं बाकी का बंदोबस्त करती हूँ। ठीक है भाई, इसका भी मैसेज आ गया। बख्शान पूछे की खबर हाय हाय, अल्लाह करे ऐसा ही हो। मलूक की अब्बा, मुझे लगता है हमारे दिन अब अच्छे आने वाले हैं। वो कैसे, कहीं से खजाना मिल रहा है क्या? अगर मिल भी रहा है तो कहां से मिल रहा है? हवेली।
मुझे तो लग रहा है कि हवेली में हमारा खजाना तैयार हो रहा है। अच्छा, वो कैसे? अरे वो छोटी सरकार है ना, उनकी कुंवार उम्मीद से होगी। 9-10 महीने तो कोई ना कोई रस्म जरूर करेंगे। अगर उनके यहाँ बेटा पैदा हो जाता है फिर तो छोटी सरकार अपनी शान शौकत दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। हाँ, वो लोग जश्न तो मनाएंगे ना, कर्जे लेकर भी जश्न मनाएंगे। हो सकता है वो हफ्ता भर जश्न चलता रहे। वाह वाह, अल्लाह करेगा, अल्लाह करेगा। लेकिन एक बात मुझे सूझ रही है। फिर कौन सी बात? कुछ बड़ी बेगम साहिबा है ना, मुझे पता चला है उसको कोई बहुत बड़ी बीमारी लाग है। नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारी गलत फहमी है। वो तो चाको चौबंद लगी पड़ी है, कल तो मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। अरे तुम्हें अंतर की बात बता रही हूँ, देख लेना, 2 दिन के बाद अस्पताल दाखिल होगी। वैसे वो बुजुर्ग बड़ी हो गई है, लेकिन तुम उसके मरने का क्यों इंतजार कर रही है? ऐसा ना हो कि हम में से कोई गुजर जाए। खुदा ना करे, खुदा ना करे। देखो सोनी, उनके लिए भी अच्छा सोचना चाहिए, लालच बुरी बात है। मैं लालच थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो अपने बच्चों का सोच रही हूँ। जो भी करती हूँ ना, तुम बाप बेटे दोनों कमाई हराम कर देती हो, पाई पाई करके जोड़ती हूँ, कुछ ना कुछ लेती हूँ, लेकिन नहीं, तुम्हारे पास कदूरी नहीं है, बस ऐसे ही उड़ा देती हो। कुछ इस बात पे गौर किया है तुमने? चलो छोड़ इस बातों को, खाना ले, अब बड़ी भूख लगी है, उठो। तुम्हें तो खाने की पड़ी है, बस खाना हो खाना हो। हाँ, मुझे मुस्तकबिल की पड़ी है और खाने की पड़ी है, लेकर आती हूँ। तो बाय। Oh,
सब क्या हो रहा है? कुमार आओ हमारे साथ बैठो, घोर सतूर करें, फिर तुम आराम करने चली जाना। पर अम्मी ये सब हो क्या रहा है ये तो बताएं। वो तुम उम्मीद से हो ना? आपको किसने कहा? वो तो खुराक और हवा की तब्दीली की वजह से मेरे मैदे में तकलीफ हुई थी, मैंने मेडिसिन ली है और अब बिल्कुल ठीक हूँ मैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उम्मीद से देखो उसना, खाम मखा जिद करने की जरूरत नहीं। सरकार मुझे जाने दें। हाँ हाँ जाने दूंगा, तुम तो मेरी जान हो। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हैं, मैं शादीशुदा हूँ। यही बात तो तुम्हारी मुझे अच्छी लगती है। आप गलत कर रहे हैं, तुम्हारे लिए ये आखिरी मौका है, नहीं तो पछताओगी। उसना जल्दी आओ भाई, क्या हो गया? आओ। देखा तुमने कितना खुश हो रहे थे मेरे घर वाले। तुम ये बताओ तुम्हें कैसा लगा? बहुत बुरा। क्या मतलब? ऐसे उनको देख के मायूसी हुई, जैसे उम्मीद सी बांध दी। उम्मीद पे तो ये पूरी दुनिया कायम है। तुम्हारा डिनर का प्लान तो कैंसिल हो गया। हाँ नहीं नहीं हम कल चले जाएंगे। मेरा मूड नहीं। फिर एक काम करते हैं ना, हम बाहर घूमते हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना यहाँ पे बहुत खूबसूरत खेत बागात हैं, यहाँ का लैंडस्केप बहुत ही प्यारा है, तो हम बाहर चलते हैं। सच्ची बात है कि मैं ये सब घूमना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी एक बात अभी तक जहन में अटकी हुई है। Come on यार, छोटी सी बात है, मेरी इतनी सी ख्वाहिश है ये, तुम उसके लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। इजाज़ एक बात कहूँ? बिल्कुल बताओ। इजाज़ ये जो मर्द होते हैं ना, इनकी ख्वाहिशात कभी टिकी नहीं रहती, ये बिल्कुल बरसात की तरह होती है, कभी सरसब्ज खेत को डबो देती है तो कभी धूप में बरसती है। लेकिन मैं इन जैसों में से नहीं हूं। मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन 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 छोड़ो, तुम उठो फ्रेश हो जाओ, फिर डिनर करते हैं और तुम फिर आराम कर। तो Thank you.
मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हैं, मैं शादीशुदा हूँ। यही बात तो तुम्हारी मुझे अच्छी लगती है। आप गलत कर रहे हैं, तुम्हारे लिए ये आखिरी मौका है, नहीं तो पछताओगी। क्या बात है शाम, एक दो दिन से देख रहा हूँ चुप चुप हो। नहीं तो मुझसे मत छुपाओ, मुझे बता दो। ऐसे ही बस। फिर अम्मा ने कुछ कहा? मैं चाची की किसी बात का बुरा नहीं मानती हूँ। वादे के मुताबिक मजदूरी नहीं दी मैंने, यही बात होगी। कुछ तुम्हें उदास देखा तो कल पैसे बचा लिए थे मैंने। अल्लाह की कसम कल ना जुआ खेला है और ना नशा किया। नहीं मालूम, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे तो बस इतना ही काफी है कि तुम काम पे जा रहे हो, काम कर रहे हो। मुझे अफसोस बस तब होता है जब तुम चाचा चाची के आगे हाथ फैलाते हो, वरना मुझे ना दो, बस तुम काम करो, मेरे लिए काफी है। सच्ची बात तो ये है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेटा हो या बेटी। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि कोई मुझे भी बाबा कहे। मलूक, हो मलूक, पहली दफा तुम्हें इस तरह देख रहे हो। मुझे तो लगता था कि मुझे कोई परवाह ही नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है परवाह, तो ये भी जानता हूं कि तुम इस रोग को छुपाए फिरती हो, ना कुछ कहती हो मुझसे और ना कभी शिकवा की है। भले तुम मुझे ना बताओ, लेकिन मैं देख रहा हूं कि हवेली में भी उदास घूम रही थी तुम। मैं ये जानता हूं कि जब हवेली से आती हो तो बहुत खुश होती हो। अल्लाह बहुत बड़ा मेहरबान है, वो हमारी आस और मुराद जरूर पूरी करेगा। कहते हैं कि जब मी और बीवी की एक ही ख्वाहिश हो तो अल्लाह ताला उसे जरूर पूरा करता है। अरे मुझे लगता है मैं गलत टाइम पर आ गई हूँ। अरे नहीं नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग तो बस बात कर रहे थे, आ जाओ। पर तुम दोनों का चेहरा क्यों उतरा हुआ है? वो कल हवेली से कुछ नहीं मिला ना, तो उसी सिलसिले में बात कर रहे थे। हाँ मुझे पता है, सारा पता है। मल्लूक और इसके अब्बा को कुछ ना मिले ना, तो सारा दिन ये पैसे के पीछे नूस 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 करते रहते हैं। कहते हैं पैसा बू पैसा बू पैसा बू, सारा दिन इनका यही काम है। हाँ चाची, मैं मलूक को कह रही थी कि मुझे हवेली से कुछ नहीं मिला, कह रहा था तलाशी दो तलाशी दो। मलूक बेटा तुम उठो, उठो जाकर काम पे लगो। मुझे और हुस्ना को घर का भी तो काम करना है ना। तो
यार तुमको मुझसे कुछ बात करनी है। बाबा साईं, हमारे इलाके में स्कूल कितने हैं? एक स्कूल मिडिल तक है, दूसरा कोशिश करो हाई हो जाए। बच्चों को बहुत दूर जाना पड़ता है। मेरा ख्याल है लड़कियों के लिए कोई स्कूल नहीं। बिल्कुल ज़रूरत है, प्राइमरी तक हो जाए तो तब भी सही है। अलैकुम। वालेकुम सलाम। आओ बेटा, आओ एजाज। आज हमारे फयाज मियाँ को जो है इलाके के फिक्र, मसाइल की फिक्र नज़र आ रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर बच्चियों के लिए स्कूल नहीं है तो हमें स्कूल बनवाना चाहिए। हाँ बिल्कुल बल्कि बाबा, लास्ट ईयर एमपी साहब ने वादा किया था ना बजट मिलने पे वो स्कूल के लिए फंडिंग करेंगे। अरे वो तो सियासी वादे होते हैं बाबा साईं, मेरा दोस्त एजुकेशन मिनिस्टर है, मैं उसे कह के स्कूल मंजूर करवा लूँगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा। बस अगले हफ्ते ही कराची निकलता हूँ। हाँ बेटा जाओ, उससे बात करो, उससे यहाँ आने की दावत दो। सियासतदान भले बहुत अच्छे दोस्त हो लेकिन उनको दिखावा पसंद होता है। वैसे बाबा आप ठीक कह रहे हैं लेकिन गांव में तो अब जगह ही नहीं बची है कि हम स्कूल की बिल्डिंग कहाँ बनवाएंगे। एक वो आखिरी प्लॉट था वो आपने बीएचक्यू को डोनेट कर दिया था। हाँ ये तो है बेटा, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? मेरी नज़र में एक ज़मीन है, जगह भी अच्छी है, सड़क के पास भी है, किसी को आने जाने में तकलीफ भी नहीं होगी। कौन सी जगह है बेटा? बाबा साईं, वो जो आपने सड़क के पास मेहराब को दो जरेब दी हैं वहीं पर स्कूल मंजूर करवा लेते हैं। लेकिन गरीबों से ये ज़मीन क्यों छीने? अरे हमारी ज़मीनें हैं, अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है। ये ज़मीन हमारे दादा ने उन्हें बख्शी थी और जब बाबा ने आज तक ये ज़मीन उनसे नहीं मांगी तो हम कौन होते हैं ज़मीन लेने वाले? इस मसले का दो ही हल है, एक तो ये कि मेहराब खान को बदले में एक ज़मीन दे दी जाए या फिर सड़क के उस पास उमर खान की बहुत सारी ज़मीन है उसे अदला बदला कर लिया जाए। बाबा साईं आप ये सखावतें करना बंद करें, यही ज़मीन बेहतर है। इतने साल से मेहराब के पास है, जितनी खानी थी उसने खा ली, काफी है उसके लिए। तुम्हें इस जमीन का ख्याल कहां से आ गया? तुम इस जमीन के क्यों पीछे पड़ गए? मैं क्यों पीछे पड़ूंगा? मुझे आप बताओ, आपको इतना खुसूसी हमदर्दी क्यों हो रही है उस जमीन से? तमीज से बात करो, बड़ा भाई हूं मैं तुम्हारा। खामोश करो तुम दोनों। मैं इस मसले का खुद ही कोई हल निकाल लेता हूं। बदतमीज। आपने देखा तोबा तोबा बाबा तोबाएं तोबाएं वैल वैल तो नहीं। मुझे एक बात तो बता तोबा, मैं तो 12 ही महीने परेशान हूं। मैं पैदा हुआ पहली परेशानी मेरी माँ को हुई, फिर तुमसे शादी की वो परेशानी अलग, छोरे को पढ़ाया मलूक को तीसरी परेशानी, तुझे कौन सी परेशानी है जो तू ऐसे बैठी है? बस कर अब बस कर, सबसे बड़ी परेशानी तो तू है मेरे लिए, कुछ सोचने भी नहीं देता है। मैंने तुम्हें तो जिंदगी में एक जूता भी नहीं मारा तो तुम क्यों परेशान हो? तुम्हारे जूते खाती ना वो अच्छे थे, लेकिन जो आज मैं देख कर आई हूँ ना, अल्लाह मेरी तौबा तौबा। बाबा ओ कह रही थी मैं डूब के मर जाऊं, बस तू मरेगी, तू नहीं मरेगी, तू नहीं मरेगी। बात क्या है, बात बताओ ना। अरे वो बड़े सरकार
वो जो वो दूसरी मंडप मंडप को नहीं गहल के आए हैं बाहर से। भागे क्या? अरे भागी वागी नहीं है वो, कहाँ भागेगी, इन सबको भगाएगी सबको। बड़ी चालाक छोरी है, बड़ी चालाक छोरी है। क्या उधर से आई है, वो तो कहती है कि ये सब कुछ मेरा है, ये सब कुछ मेरे ही तौर तरीके से चलना चाहिए। अरे उनकी बादशाहत ख़त्म करेगी, हवेली के तौर तरीके बिल्कुल ख़त्म। तौबा, जो वो कपड़े पहनती है वो बाहर नहीं, वो पहनते हैं कपड़े लंडे वाले। हाँ वो ये पतलूनड़िया। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, तौबा, कमीज इतनी सी और उस पे चलना, दुपट्टा भी नहीं है सर पे। ना 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 ना, मैं तो इतने ही दिन गई थी कमरे से निकलकर, कभी उसने सलाम नहीं किया, आज निकली। बम्बूरी की तरह फिरती हुई आ रही थी। हाँ, मैंने कहा ये है अल्लाह, मैंने कहा कैसे बड़े सरकार इसको बर्दाश्त करते हैं, सबके सामने ऐसे ही फिर रही है और बात ऐसे कर रही थी, ये क्या हो रहा है, तुम्हारे ये तरीके हैं, ये रुधालियाँ हैं, ये रोती हैं, ये हंसती हैं, तुम इनको इतना देती हो। बड़ी अम्मा, मैं तो पहले दिन अपने पोते को एजाज के ये कपड़े पहनाऊंगी, सालों तक संभाल के रखे। अगर लड़की हो गई तो? ये कपड़े ही ऐसे हैं कि लड़का हो या लड़की दोनों पर जचते हैं। ये क्यों मुंह सजा कर जा रहा है? बाप से या भाई से झगड़ा किया होगा इसने। फयाज को तुमने कुछ कहा है क्या? उसको कुछ कहने की जरूरत है क्या? हर वक्त गुस्सा उसकी नाक पे सवार रहता है। लेकिन हुआ क्या है? कुछ भी नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। एक जरूरी काम है, मैं बाद में बात करता हूं। समझ नहीं आती है। मैं खुश थी कि मेरे दोनों बेटे घर आएंगे तो घर में रौनकें बढ़ेंगी। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, दोनों भाई आपस में घुलेंगे मिलेंगे, ये छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती है। क्या हुआ, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे परेशान क्यों ना हूं, जब मेरी जवान औलाद मेरे ही सामने फजूल किस्म की बहस करे और इतनी भी हया ना हो कि बाप बैठा हुआ बाप के सामने लूट कर दोनों एक दूसरे से चले गए। ये सोच रहा हूं शमा कि मैं अगर नहीं रहा तो किस तरह ये लोग आपस में रहेंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हो बेटा, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी लंबी हयाती दे। नौजवान बच्चे हैं, खून गरम है, और फिर अलग अलग भी तो रहे ना ये लोग, जितना आपस में मिलके रहेंगे सब सही हो जाएगा। और पता है ये वक्त है ना बहुत बड़ा उस्ताद है, सब सिखा देगा, फिक्र ना करो। इसका मतलब ये हुआ अम्मा कि ये लोग मुझसे कुछ नहीं सीख पाए। लेकिन हुआ क्या है? होना क्या था शमा, दोनों अपनी अपनी जगह सही बात कर रहे थे, लेकिन मजे की बात ये देखो कि दोनों एक दूसरे की बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। अरे बात क्या है, मुझे तो पता चले ना। अम्मा फयाज चाह रहा है कि लड़कियों का एक स्कूल खुल जाए, बस जरा भी शर्म हया नहीं है कि बाप के सामने किस तरह से बात की जाती, कैसे बैठा जाता है, दोनों अपनी अकड़ में चल रहे हैं। अरे आजकल के बच्चों को कौन समझाए, नहीं समझते किसी की बात, ही लोग अपनी मन मर्जी करते हैं, अपनी मन मर्जी करते हैं। मेहराब खान को बदले में एक ज़मीन दे दी जाए, या फिर सड़क के उस पास सुमर खान की बहुत सारी ज़मीन है, उसे अदला बदला कर लिया जाए। तुम्हें इस ज़मीन के ख्याल कहाँ से आ गया, तुम इस ज़मीन के क्यों पीछे पड़ गए हो?
मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हैं। मैं शादीशुदा हूँ। आप गलत कर रहे हैं। अगर हुस्ना मेरी बात मान जाती है तो फिर मैं अदा एजाज की बात मान लूंगा। फिर मेरा क्या स्कूल से? बाबा जहां चाहें जाकर बनवाएं। मेरे ख्याल में मुझे ये जमीन खाली करवाने वाली बात मेहराब और मुलूक तक पहुंचानी चाहिए। तो तुम्हें मेरे काम पर शक है, इसलिए देखने चली आई? शुक्र करो सिर्फ काम पर ही शक है तो देखने चली आई। किसी और चीज पर शक होता तो तुम जानते हो ना। मुझे पता है, लेकिन हुस्ना प्यार तुमसे ही है, इसलिए देखो ना कितना सख्त काम कर रहा हूँ। मुझसे प्यार है तभी इतना सख्त काम कर रहे हो और पैसे खुद उड़ा रहे हो। खाना खाओ ना। मैं खा कर आई हूँ घर से, बात ना बदलो। मेरे साथ भी नहीं खाओगी? ठीक है फिर मैं भी नहीं खाता। हेलो, ये कौन है? आदाब, बीवी है मेरी। अच्छा अच्छा, मैं चलता हूँ, तुम खाना खा लो, जल्दी आना काम पे। अच्छा खाना खाओ ना आप भी। नहीं नहीं, मैं चलता हूँ, मजदूर को देखता हूँ, थोड़ा भी इधर उधर होता हूँ ना तो काम नहीं करते। ठीक है दा। कितना तेज आदमी है, मजदूरों की बातें करके तुम पे बातें सुना के चला गया। देख लिया कितना सख्त काम है, सांस भी मुश्किल से लेने देते हैं यहाँ। तुम पर भी सख्ती करता है? करता था मतलब? असल में इसको भी मिल जाती है ना खुश हो जाता है। क्या मिल जाती है मलू? वही ठंडा शरबत। तुम बाज नहीं आए ना अब तक? मजाक कर रहा हूँ। हेलो, जल्दी आना काम पे। सुन लिया, ये मोटा 5 मिनट की भी फुर्सत नहीं देता है, हालांकि अच्छे रवाबत है मेरे साथ। इन अच्छे रवाबत की वजह? उसने मैंने कहा ना मैंने भंग छोड़ दिए। चलो एतबार कर लेती हूँ तुम्हारी इन बातों पर। अच्छा मुझे शाम में अम्मा के घर छोड़ आना। क्यों? 20 दिन हो गए, अम्मा की बहुत याद आ रही है। भाई को बुला लो ना तुम, वो तुम्हें छोड़ आएगा। तुम छोड़ आओ बाइक पे, 10-15 मिनट का तो रास्ता है, फिर बट पे से मेरा भाई ऊँट ले आएगा, उसके साथ चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं फोन पे बात करता हूँ उससे, टाइम सेट करता हूँ। सरकार, सरकार, आजो, 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 सलाम करो, सलाम करो, सलाम सरकार, सरकार सलाम, सरकार, आप यहाँ? सरकार, खैरियत तो है? मेहराब, हम एक अच्छा काम करना चाहते हैं, हमारा साथ दोगे? सरकार ये आपने क्या फरमा दिया, आपका हुक्म तो हमारे सरों पर तो चलता है, क्यों सोनी? हम अपने इलाके में एक बच्चियों का स्कूल खोलना चाहते हैं। अच्छा सरकार, ये तो बड़ा अच्छा काम है, नेकी वाला काम है। सरकार सब आपको दुआएं देंगे, बहुत दुआएं मिलेंगी। और हम ये भी चाहते हैं कि इन दुआओं में तुम लोगों का भी हिस्सा हो। सरकार सरकार, हम तो वंगार में ही काम करेंगे, दूसरे लोगों को भी कहेंगे, क्योंकि नेकी वाला काम है ना, सुनी क्यों?
मैं खुद सोनी मलूक हुसना सब काम करेंगे, दूसरे लोगों को भी बुलाएंगे यहाँ। साईं अल्लाह का लाख शुक्र है, इधर की जो औरतें हैं ना सारी वो तगारी भी उठाती हैं, पहाड़ों पे चढ़ जाती हैं और कोसों दूर जाकर मटके पानी के भर लाती हैं, बेचारी पैदल पैदल। बिल्कुल बिल्कुल, अंगार की जरूरत नहीं, सरकारी काम है, ठेकेदार खुद मजदूरों से काम करवा लेगा। अच्छा, तो अभी काम आसान हो गया मेरे ख्याल में, बिल्कुल ही आसान हो गया। सॉरी, मेरा अब स्कूल के लिए जो जमीन सोची है हमने वो यही जमीन है।